हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विजन आईएएस इंस्टीट्यूट की अक्टूबर 2023 की मैगजीन को मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि अक्टूबर 2023 मंथ की मैगजीन में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। देखिए, विजन आईएएस की जो मैगजीन है वह बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पूरी तरीके से कवर नहीं करना है बीपीएससी के लिए। स्पेशली जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बीपीएससी की परीक्षा के लिए अनुपयोगी होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बीपीएससी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन टॉपिक्स को मैं यहां पर बता दे रहा हूं और मंथली वाइज मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक को आपके साथ साझा करूं, ताकि आप उस मैगजीन के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उसके बारे में आप जानकारी को एकत्रित कर सकें। जैसे यह अक्टूबर महीने की अक्टूबर 2023, अभी लेटेस्ट मंथ अक्टूबर 2023 की ही मैगजीन विजन आईएएस की मार्केट में अवेलेबल है और इसके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप लोग उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC Center पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो उस मैगजीन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग काफी अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें। देखिए, सब विषय सूची के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है इस मैगजीन के अंतर्गत, वह पहला टॉपिक राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एवं गवर्नेंस से संबंधित है। इसके अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह 1.2 नंबर टॉपिक राजनीति का प्राधिकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे तो राजनीति के प्राधिकरण के क्या कारण है, महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट इसमें दिया हुआ है, और किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कैसे राजनीति और प्रशासन के बीच सांठ गांठ के कारण राजनीति में अपराधिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, इन कई सारे पहलुओं पर उसमें चर्चा किया हुआ है। तो यह मेंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मेंस के लिए टॉपिक है उसे हमने यहां पर एम लिख दिया है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए है उसे P+M, और जो शॉर्ट नोट्स के लिए है उसे SN लिख दिया है। तो आप लोग इस कोड के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर करना है राजनीति का प्राधिकरण, या बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या शॉर्ट नोट्स प्लस बीपीएससी में लॉन्ग प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित कुछ गतिविधियां घटित हुई है, जिसके कारण संसदीय विशेषाधिकार का जो टॉपिक है वह आगामी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, या प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद से प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इसके बाद सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। देखिए, यह डायरेक्टली आपको नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, लेकिन अगर पूछा जाता है कि मानव जीवन को आरामदायक बनाने में, या मानव जीवन को समृद्ध करने में, मानव जीवन के विकास में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, तो आप वहां पर इसे जरूर मेंशन कर सकते हैं कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में किस प्रकार से प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ रही है, जिसके कारण मानव जीवन आज आरामदायक और सुखमय जीवन की ओर बढ़ रहा है। तो इसे यह डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी भी दूसरे प्रश्न में टेक्नोलॉजी का जब डिफरेंट क्षेत्र में यूज लिखेंगे तो वहां पर आप इसको शामिल कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज न सिर्फ आपदा प्रबंधन, रक्षा आदि क्षेत्र में किया जा सकता है, बल्कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो यह इनडायरेक्टली रूप से यह आपको काम आएगा, टेक्नोलॉजी की भूमिका से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसमें। तो इसे काफी अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लेंगे। अगला है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। देखिए, यह महत्वपूर्ण है, इसे आप पूछा जा सकता है और इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगला है संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स, यानी कि हाल के विगत कुछ दिनों में महत्वपूर्ण खबरें में जो रही है समाचार, उसे यहां पर दिया गया है संक्षिप्त में। तो ये वाला जो सेक्शन होगा, हर एक सेक्शन के अंतर्गत, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो संक्षिप्त सुर्खियां रहेगा वह महत्वपूर्ण होगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यह
प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं, उसे आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे UAPA यहाँ पर दिया गया है, तो UAPA के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आधार के बारे में दिया गया है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि आधार विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल ID है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित कौन से वाद है, निजता के अधिकार से किस प्रकार संबंधित है या नहीं है, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पर निशान लगाया गया है वो टॉपिक, वो सारे टॉपिक अति महत्वपूर्ण है BPSC प्रारंभिक प्लस मुख्य दोनों परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहाँ पर आएगा BPSC मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, GS पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत IR का सेक्शन पढ़ना है, और IR में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड हैं, जैसे इजराइल हमास युद्ध, इजराइल हमास वॉर, ठीक है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से करें। भारत कनाडा, हाल के दिनों में आप सभी जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच संबंध किस प्रकार से बिगड़ा है, तो भारत कनाडा संबंध आप लोग कर लें, ठीक है। यहाँ पर जैसे भारत दक्षिण कोरिया दिया गया है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो जो निशान नहीं लगाया गया है उसे आप लोग कवर नहीं करेंगे। जैसे भारत दक्षिण कोरिया कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपका BPSC मुख्य परीक्षा में, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसे आप क्यों करेंगे, ठीक है। तो जो निशान लगाया गया है उसे आप लोग कर लें। तो इजराइल हमास हो गया, भारत कनाडा हो गया, अगला है भारत मालदीव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत मालदीव इसे भी कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ऐसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इजराइल हमास वार के कारण इसकी जो भूमिका है उसके कारण यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो चुका है, तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, और अगर नहीं भी पूछा जाए तो आप जब इजराइल हमास युद्ध की चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका दुष्परिणाम मानवाधिकार के रूप में दिख रहा है, और वहां पर क्या UNHRC की क्या भूमिका है मानवाधिकार संरक्षण में, वहां पर एक दो सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। अगला है संक्षिप्त सुर्खियों में, इंडिया एंड UAE से संबंधित रुपए डोमेस्टिक कार्ड को लेकर समझौता हुआ, तो इंडिया और UAE का जब आप रिलेशन बताएंगे, प्रश्न आएगा इंडिया UAE के बीच संबंध को लेकर, तो वहां पर ये आप शामिल कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को, तो इसे पढ़ लेंगे। अगला ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। अगला है CTBT तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, या परमाणु अप्रसार से संबंधित एक संधि है, तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, CTBT को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। अगला है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, यह भी महत्वपूर्ण है, IR में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। जब इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे होंगे तो वहां पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित वहां पर आप गतिविधियों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन IR का खत्म हो गया, और उसके पहले हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का खत्म कर दिया। अब आता है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है यहां पर जो दिया गया है वह प्रीलिम्स रिलेटेड ज्यादा पर फैक्ट्स है। यहां से मेंस में इकोनॉमी जो BPSC में सेक्शन है इकोनॉमी मेंस में, उसके लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अर्थव्यवस्था में पहला है MS स्वामीनाथन का योगदान, तो MS स्वामीनाथन का योगदान, हालांकि मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए तो आप लिख सकते हैं MS, और चूंकि MS स्वामीनाथन काफ़ी महत्वपूर्ण विगत कुछ दिनों में रहे हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न आए तो मेंस में भी शामिल कर सकते हैं कि हरित क्रांति वगैरह में इनकी क्या भूमिका रही है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, हाल ही में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। और फिर नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, श्रम बल में महिलाओं की क्या भूमिका, उससे संबंधित डेटा होगा, तो इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा हमने बताया अभी कि संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट, ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसे प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट समझकर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें भी सारा देखा जाए तो BPSC के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सारे एक एक पेज के अंतर्गत हैं, एक पेज भी नहीं है। जैसे देखिए 59 नंबर पेज में दो डेटा को डिस्कस किया गया है, तो दो तीन पेज है मुश्किल से, तो आप लोग इसे कोशिश करें कि पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लें। लेकिन जिस पर ज़्यादा आपको फोकस करनी है, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, GST काउंसिल की बैठक हो गया, यहां से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, यहां से पूछा जा सकता है, ये सारे प्रीलिम्स का है, ठीक है। न्यूज इन शॉर्ट अभी हमने बताया प्रीलिम्स का है, तो ये सब जो है प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता, यह भी प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है।
सकता है। पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे भी देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 यह महत्वपूर्ण है, VBI आप लोग इसे भी देख लेंगे। प्रोजेक्ट मेरियाना क्या है इसे भी आप लोग देख लेंगे। तो ये सारे जो हमने अभी निशान लगवाया उसे आप लोग वरीयता देकर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला आइए सिक्योरिटी, चौथा नंबर पॉइंट है सिक्योरिटी। तो देखिए सिक्योरिटी अगर देखा जाए तो BPSC प्रीलिम्स और मेंस कहीं भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन चूंकि अलगाववाद वगैरह की समस्या भारत हमेशा जूझते रहा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए अलगाववाद क्या है, आतंक विरोधी दृष्टिकोण भारत का क्या है और NIA के बारे में। 3 पेज में है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चूँकि NIA, ED, CBI ये सब जो संस्था एजेंसी हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा रहती है, ठीक है, और हमेशा विपक्षी दलों के द्वारा इसके दुरुपयोग को लेकर हमेशा समाचार में, खबरों में ये सारे बने रहते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि NIA क्या है, कब इसकी स्थापना की गई, इसकी रोल क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो आप एक जानकारी के रूप में अलगाववाद को पढ़ लें, भारत का आतंकरोधी दृष्टिकोण पढ़ लें, NIA को पढ़ लें। और संक्षिप्त सुर्खियाँ, अभी हमने बताया प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो भारतीय वायुसेना का नया ध्वज प्रतीक इसे पढ़ लीजिए, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास इसे पढ़ लीजिए और सोनो बॉयज इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये सारे प्रीलिम्स आपका काम आएगा। अगला सेक्शन है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण में देखा जाए अगर तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इस पर ज्यादा समय अपना व्यतीत नहीं करेंगे। लेकिन जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं या प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण, जैसे नेट जीरो रोड मैप है ना, इस आप मेंस क्लाइमेट चेंज में भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो भले आपको लगते हैं कि प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है, लेकिन वो डेटा को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैटेगराइज मत करिए, सारे टॉपिक को पढ़ते चलिए, लेकिन हाँ पढ़ने के दौरान जो फैक्चुअल डेटा होंगे वो प्रीलिम्स के लिए होगा और जो मेंस के लिए कंसेप्चुअल होगा वो मेंस के लिए होगा, ठीक है। तो इन सभी को आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट जीरो बता दिया हमने, ठीक है। इसके बाद देखिए कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इसे आप पढ़ लीजिएगा, सस्टेनेबल फिनांस ये महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ इसे आप देख लीजिए, जीवाश्म ईंधन में से मीथेन को कम करने की अनिवार्यता आप इसे देख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो अमेजन नदी बेसिन को भी आप लोग देख सकते हैं, अमेजन नदी बेसिन महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा गोवर्धन योजना क्या है इसे आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। और इधर जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जैसे डेमसेल फ्लाई प्रजाति है, फिशमिंट है, डॉसिंग फ्रॉग है, पिंक वॉलबॉर्म है, ये सारे जो है वो आपको प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये सारे के सारे प्री ओरिएंटेड टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपको इसे प्रीलिम्स के लिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब आइए सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दे। अगर सोशल इशूज में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो है LGBTQ इससे संबंधित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है LGBTQIA से संबंधित, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र, ठीक है। और जातिगत जनगणना तो आप सभी जानते ही हैं, ये दोनों टॉपिक जो है वह मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है, इसे अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद जो टॉपिक आता है वह वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसके बाद का टॉपिक है, यह प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों जगह महत्वपूर्ण है। और अगर इससे संबंधित कोई स्वाभाविक है ऐसे आए तो आप डेटा को वहाँ पे भी डाल पाएंगे, यानी कि प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर इस टॉपिक को कंप्लीट करें। प्री ओरिएंटेड आप फैक्चुअल डेटा को देख लीजिए और मेंस के लिए भारत जो है वह भुखमरी क्यों यहाँ पर ज़्यादा है, अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा कैसे है, क्या कारण है, क्या मानक है, इसके कैसे दूर कर सकते हैं, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार की क्या स्कीम है, तो ये सारे वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद आइए श्रेष्ठ योजना को भी देख लेना, आपको श्रेष्ठ योजना अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं निशान यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। जैसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये तो आपको जानना है। इसके बाद रसायन में इसे भी आपको देख लेना है, मेडिसिन ये भी देख लेना है। हमने इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं लगाया क्योंकि नोबेल पुरस्कार 2023 आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी ये भी पढ़ लेना है, और भारत के अंतरिक्ष तकनीकी संबंधी क्षमताओं को विकसित करना इसे भी पढ़ लेना है, और एस्टेरॉयड को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन तीनों को आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, नोबेल प्राइज फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिसिन।
मशीन, इसे आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेट न्यूट्रलिटी को आप लोग पढ़ लीजिए और अंतरिक्ष तकनीकी संबंधी क्षमता, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतना आपको कवर कर लेना है। अब संक्षिप्त सुर्खियों में ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर, जैसे आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत, आयुष्मान भव कैंपेन, या संभवतः राष्ट्रपति के द्वारा गुजरात गांधीनगर से इस कैंपेन की शुरुआत की गई है, आप लोग कन्फर्म हो लेंगे। तो आयुष्मान भव अभियान आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा भारतीय फार्माकोपिया आयोग फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसे भी पढ़ लीजिए। मलेरिया की वैक्सीन आई है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारे जो है वह प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। अब ये सारे जो यहां पर अब देखिए, ग्रीन अमोनिया, नियंडरथल ग्रेविटी बैटरी, इन तीनों को भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना होगा, वीवीआई है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है कल्चर यानी कि संस्कृति। तो इस संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए तो ग्रामीण पर्यटन या बीपीएससी ऐसे के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण पर्यटन यह न तो आपका प्रीलिम्स में काम आएगा और न ही मेंस में आपको काम आएगा। अगर ग्रामीण पर्यटन से संबंधित कोई टॉपिक पूछा जाए ऐसे में, तो वहां पर ग्रामीण पर्यटन आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा अब सर सैयद अहमद खान रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ लें, प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। पुनः संक्षिप्त सुर्खियां, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक होता है, अभी हमने बताया। तो इसमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार को आप लोग पढ़ सकते हैं। अरुणाचल याक चुरपी, यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह तो काफी ज्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। अगला है नीति शास्त्र टॉपिक के अंतर्गत, इथिक्स टॉपिक के अंतर्गत। तो अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो एआई या मानवाधिकार, एआई और ह्यूमन राइट्स, यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली एआई और मानवाधिकार जो है या मेंस का टॉपिक है, मेंस में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। पीएम स्वनिधि जो है वह प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, स्वनिधि योजना को लेकर। अगर सर पूछा जाए सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लेकर क्या कर रही है या उस तरह के कोई प्रश्न आए, तो वहां पर आप इसको स्वनिधि योजना को शामिल कर सकते हैं। देखिए कोई भी कंटेंट जो हो वो प्रश्न के अनुरूप आप डिफरेंट जगह पर शामिल कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बशर्ते उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो आप कोशिश करें कि ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग कवर करते चले जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने अक्टूबर महीने की जो लेटेस्ट मैगजीन है विजन आईएएस की, उसे हमने कवर करने का प्रयास किया है। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत हमें पढ़ना था बीपीएससी के लिए, चाहे वह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा किसी का भी हो, तो उसे हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया है। देखिए अगर आप लोग पूरी मैगजीन पढ़ेंगे तो काफी समय आपका इसमें लग जाएगा, तो जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं उसे आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। और मंथली वाइज हमारी कोशिश होगी कि महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ साझा करूं, ताकि आप उस टॉपिक को एक मिनिमाइज रूप में आप लोग उसे पढ़ सके और बार बार उसको रिवाइज करके अपने आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स ऐसे जहां भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो मैगजीन है विजन आईएएस की, वह प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पे आपका काम आएगा। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पत्रिका का उपयोग आंसर राइटिंग के दौरान कहां पर करते हैं और प्रीलिम्स के लिए आप किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।